इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध पर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। एक तरफ ज्यादातर मुस्लिम देश हमास के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, भारत, फ्रांस जैसे देश खुलकर इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। इस युद्ध में भारत का साथ मिलने पर इसराइल ने भी खुशी जताई है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भारत से मिल रहे प्यार पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसराइली मोसाद ने लिखा, हम भारत और भारतीय लोगों की तरफ से मिल रहे प्यार से अभिभूत हैं। हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। इससे पहले भारत में इसराइल के राजदूत नोर गिलोन ने भी भारत को धन्यवाद दिया था। उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में बताया कि भारत का सपोर्ट मिलना इसराइल के लिए कितना अहम है। अपने सूट पर भारत और इसराइल का झंडा लगाए नोर गिलोन ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय लोगों की तरफ से मिले अभूतपूर्व समर्थन का हम दिल से आभार जताते हैं। हमारे पास बिजनेसमैन, सिविल सर्वेंट्स के फोन भी आए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी भारतीय लोग इसराइल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। ये हमारे लिए अहम क्यों है, मैं ये भी आपको बताता हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये है कि दुनिया में भारत की अहमियत है। भारत ऐसा देश है जो आतंकवाद के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ है, तो ये जानकारी उन्हें है, वो इसे इग्नोर नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम भारत के बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि इसराइल को सिर्फ नैतिक और राजनीतिक सपोर्ट की ज़रूरत है। युद्ध में कैसे जीतना है ये हमें पता है, लेकिन हमें हमारे प्लान पर काम करने के लिए समर्थन की ज़रूरत है, ताकि हमास आगे किसी को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत ना करे। बता दें कि इस युद्ध को लेकर दुनिया दो खेमे में बट गई है। एक तरफ ईरान, कतर समेत ज्यादातर मुस्लिम देश फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, वहीं भारत, अमेरिका और पश्चिमी देश इसराइल के समर्थन में खड़े हैं। इसराइल को युद्ध में साथ देने के लिए अमेरिका ने तो अपना जंगी जहाज भी भेजा है। ऐसे में इस जंग के और ज्यादा भयावह होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर तड़के सुबह इसराइल पर दोतरफा हमला कर दिया था। ये अटैक इसराइल के दक्षिणी इलाके में किया गया था। बताया जा रहा है कि हमास ने इसराइल पर एक तरफ तो करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे, तो दूसरी तरफ बॉर्डर फेंस को तोड़कर हमास के आतंकी इसराइली सीमा के अंदर घुस गए। इस हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है। इसराइल ने एक ताजा बुलेटिन जारी कर बताया है कि इस हमले में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं 2150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमास ने बड़ी संख्या में इसराइल के लोगों को बंदी भी बना लिया था। हालांकि अभी तक इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसराइल डिफेंस फोर्स ने यह भी बताया है कि इसराइल में हमास की तरफ से करीब 3300 रॉकेट दागे गए थे। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने हमास के अब तक 650 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।